भैया 14 वर्षों से सुनी पड़ी अयोध्या आपके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी है। कृपया आगे बढ़कर पुनः इस भूमि को हर्ष और उल्लास से परिपूर्ण कर दीजिए। प्रभु श्री राम की जय। दशरथ नंदन श्री राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। माता जानकी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। दशरथ नंदन श्री राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। माता जानकी की जय। दशरथ नंदन श्री राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। दशरथ नंदन श्री राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। माता जानकी की जय। दशरथ नंदन श्री राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय। दशरथ नंदन श्री राम की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। माता जानकी की रामचंद्र के स्वागत लाए जन जन अवध मह उमड़ी आए। जब पहुँचे प्रभु राज प्रसादा दिए वशिष्ठ आशीष रघुनाथा। भावुक हो मिली को सलामाई भाव विभोर भय रघुराई। माता सुमित्रा ने लुटाई किंतु कै कई दीन दिखाई। माता कैके कहाँ है? वो नहीं आई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो यहां नहीं है। ये क्या? सबसे तो भेंट की भैया ने किंतु शत्रुघ्न की ओर बढ़ते बढ़ते पलट गए। लक्ष्मण भैया, राम भैया को क्या हो गया है? क्या वो मुझसे रुष्ट हैं? ऐसा तो कभी प्रतीत नहीं हुआ शत्रुघ्न। प्रभु को अकस्मात ही ये क्या हो गया? कुछ तो विशेष बात है। राम युवराज पद के लिए राज्याभिषेक तुम्हारा नहीं मेरे पुत्र भरत का होगा और तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में वास करना होगा। मेरी कक्ष में
यदि मैं राम को वनवास ना दिलाती तो सीता का हरण ना होता। कितने कष्ट उठाने पड़े सीता को। कहीं राम मुझे राम भैया क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। कहीं राम भैया माता कैकेयी को कुछ। मेरा हृदय जानता है कि मेरे प्रभु कभी भी किसी भी मां को दुखी नहीं देख सकते, फिर चाहे वो माता अंजना हो चाहे माता कैकेयी। चरण वंदन माता। माता, क्या आप अपने पुत्र राम से रुष्ट हैं? कोई भूल हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। ऐसा कहकर मुझे लज्जित मत करो पुत्र। तो फिर आप आशीर्वाद देने के लिए सबके साथ द्वार पर क्यों नहीं आई माता? अपने कर्मों के अंधकार से घिरी हुई है कई कई उस राम के समक्ष कैसे आती जिसने अपने कर्मों से सारे संसार को आलोकित किया हुआ है। मुझे भय था पुत्र कि तुम मुझे क्षमा करोगे भी या नहीं। माता, कोई भी पुत्र माता को क्षमा करने योग्य नहीं हो सकता। पुत्र के लिए तो मात्र माता का स्नेह और उनका आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। हमें आशीर्वाद दे माता। नहीं नहीं, तुम्हारे सुख तुम्हारे वैभव को छीन लेने वाली है अभागी माता। किस मुख से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करें? माता, आपके कारण ही तो मैं वो अनुभवों की अमूल्य निधि प्राप्त कर सका। साधारण मनुष्य का जीवन जीकर ही तो उनके सुख दुख का वास्तविक अनुभव प्राप्त होता है। और फिर यदि मैं वनवास ना जाता तो रावण का वध कैसे हो पाता? तो तुम्हारे सारे कष्टों का कारण तो माता आपके कारण है। एक नए राम का जन्म हुआ है। राम की कीर्ति को सारे संसार में विस्तारित करने का श्रेय तो मात्र आपको ही है माता। इसलिए हमें अपने आशीर्वाद से वंचित ना करें, ना करें वंचित अपने आशीर्वाद से।
धर्म के पालक राम, हाश तुमने अपने आचरण से कई कई पर छाए विषाद के अंधकार को मिटाकर एक नवीन प्रकाश से आलोकित किया है। इस माँ का आशीर्वाद है तुम दोनों को। जब भी संसार में पुरुष धर्म की बात होगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को स्मरण किया जाएगा। और जब नारी आचरण की बात होगी तो सब सीता का ही उदाहरण देंगे। देखिए माता, प्रकाश से आलोकित हो उठा है आपका ये अंधकारमय कक्ष। अब आपके जीवन में कभी अंधकार नहीं होगा, क्योंकि रघुवंश का कुलदीपक लौट आया है। भैया, भाभी माँ, देखिए आलोकित तो पूरी अयोध्या नगरी हो चुकी है राम भैया के आने से। भैया, आपके आने से हम सब में जैसे प्राण लौट आए हों। अब तो बस आपके हृदय से लगने को तड़प रहे हैं आपके अनुशत्रुघ्न के ये प्राण। राम भैया, भैया सब लोग दीपोत्सव मना रहे हैं आपके आगमन पर। पूरी अयोध्या नगरी
दीप मालिकाओं से जगमग हो रही है। अद्भुत है ये दीपोत्सव, जैसे समस्त तारा मंडल ही अयोध्या में उतर आया हो। देख रही हैं देवेश्वरी कैसी जगमग हो उठी है अयोध्या। 14 वर्ष के उपरांत श्री राम का अयोध्या वापस लौट के आने पर ये जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है उसे भविष्य में दीपावली उत्सव के रूप में जाना जाएगा। अधर्म पर धर्म की और अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में इस त्योहार को संसार प्रत्येक वर्ष मनाएगा। हाँ देवेश्वर, किंतु जिस प्रकार दीपों के प्रकाश तले अंधेरा होता है, उसी प्रकार अयोध्या में भी धर्म के प्रकाश तले अधर्म का अंधेरा अभी भी मंडरा रहा है। अब देखना यह है कि ये अंधकार धर्म के प्रकाश को सहन कर पाएगा या नहीं। कैसा है ये प्रकाश जो मुझे विचलित कर रहा, प्रकाश उत्सव मना रहे हैं ये। कितना अनुपम, कैसा भव्य है ये दृश्य। ईश्वर करे आज मात्र अयोध्या ही नहीं सर्वत्र द्वीप मालिकाओं के प्रकाश से आलोकित हो उठे। हाँ हनुमान, भैया राम के चले जाने के साथ जो सुख चले गए थे अब वो पुनः लौट आए हैं। बस अब आशा है इस सुख पर पुनः किसी की कुदृष्टि ना पड़े। सत्य कह रहे हो कुमार भरत, असीम सुख के उजाले पर अंधेरे की कुदृष्टि सदैव टिकी रहती है। विशेष रूप से तब जब अयोध्या श्री राम के राज्याभिषेक जैसे
महानतम मंगल क्षण की साक्षी बनने वाली है। ऐसे में आसुरी शक्तियां बाधा डालने का प्रयास कर सकती हैं, किंतु मैं उन आसुरी शक्तियों को अयोध्या में कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा। उल्लास और खुशी के वातावरण में सुरक्षा का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा दुर्घटना की संभावना हो सकती है।